नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनम चमारिया फ्रॉम सोल स्पीक टैरो एंड आई एम बैक हियर इस बार फिर से आपको बताने कि आपका अगला वन मंथ कैसे जाएगा। मैं सारे सन साइंस, ऑल 12 सन साइंस को कवर करूँगी एंड आई होप कि आपको रेजोनेट करें। एंड प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये सच हुआ कि नहीं, पिछले बार की रीडिंग आपको अच्छी लगी या नहीं, या कोई भी और सजेशन हो। तो नेक्स्ट वन मंथ में जो है एरीज, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनके लाइफ में कोई चीज़ में काफ़ी बड़ी चेंज आएगी। कोई चीज़ है जो थॉट प्रोसेस है जो वो काफ़ी टाइम से कैरी कर रहे हैं अपने माइंड में, वो बिल्कुल से चेंज होगा एंड दे विल बी अ 180 डिग्री चेंज एंड दे विल स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। और ये बहुत ही अच्छा कार्ड है, सो आप जो नए एंगल से देखोगे वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। आपके लिए गाइडेंस ये है कि कोई ऐसी चीज़ है जो आप ढूंढ रहे हो, वो आप काफ़ी टाइम से इधर उधर ढूंढ रहे हो बट एक्चुअली वो आपके काफ़ी पास में है। तो फॉर इंस्टेंस, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो एंड आप काफ़ी सारे जॉब पोर्टल्स पे अप्लाई कर रहे हो, ये कार्ड मुझे ये बताता है कि मे बी आपका जो ड्रीम जॉब है वो मे बी आपकी सिस्टर के थ्रू आपको मिले, आपकी नेबर के थ्रू मिले, कोई आपके बहुत पास है जो उन जान पहचान के थ्रू आपको मिल सकता है। तो आप ज़्यादा दूर ना ढूंढें, जो भी चीज़ आप ढूंढ रहे हैं वो आपके काफ़ी पास है। नेक्स्ट वन मंथ में कोई नई चीज़ आपके लाइफ में स्टार्ट होगी। ये कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई नई जॉब हो सकती है, नई रिलेशनशिप हो सकती है। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, जो भी ये नया स्टार्ट होगा ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप बिल्कुल ऑप्टिमिज्म एंड पॉजिटिविटी से ये चीज़ को एक्सेप्ट करें एंड आगे बढ़ें। दिस विल बी समथिंग जो आपको बहुत खुशी लेके आएगा, यू दिस विल मेक यू रियली हैप्पी। एंड ये ऐसा हो सकता है कि आप इस चीज़ का वेट काफ़ी टाइम से कर रहे हो, ये जो भी नया जो स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल पॉजिटिव रहें एंड यू विल मेक इट वर्क, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके लिए गाइडेंस कार्ड जो है वो दिखा रहा है एक बंदे को जो बहुत ही डिस्टर्ब्ड है। गाइडेंस ये है कि आप बिल्कुल अपनी नेगेटिव थिंकिंग को अपने ऊपर ओवरपावर ना होने दें। जो भी ये नया आपके लाइफ में स्टार्ट होने वाला है दिस विल बी वेरी पॉजिटिव, सो आप ज़्यादा नेगेटिव सोच के अपना प्रोग्रेस हैम्पर ना करें। आप डोंट थिंक कि ये रॉन्ग हो गया तो कैसा होगा, आप ऐसी नेगेटिव थॉट्स जब आए तो आप उनको कंट्रोल करें, क्योंकि ये जो है ये नेक्स्ट वन मंथ में सब कुछ अच्छा होने के बावजूद पॉसिबिलिटी है कि आप नेगेटिव सोच रहे हो जो आप बिल्कुल ना करें। आपके लिए नेक्स्ट वन मंथ में आप कोई बहुत टफ डिसीजन लेने वाले हो, कोई डिसीजन है जो ऑलरेडी शायद आपके लाइफ में है एंड आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आप आगे जाएं या पीछे जाएं। तो आप जो ये डिसीजन है ये आपके लिए काफ़ी मेजर डिसीजन है, तो इस डिसीजन में आप पूरा सोच समझ के लें। और मुझे लगता है कि इन द मंथ ऑफ द नेक्स्ट मंथ आप ये डिसीजन ले पाओगे, बस आप सोच समझ के लें। कई बार आपको ऐसा लगता है आपकी लाइफ में कि आपका जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी स्लो है और बाकी लोग आपसे काफ़ी आगे बढ़ गए हैं इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ द मनी दैट यू आर अर्निंग राइट नाउ। यू माइट फील कि आप पीछे रह गए हैं लोगों से। आपने टॉर्टोइज और रैबिट की स्टोरी सुनी है ना, तो ये कार्ड ये दर्शाता है कि भले ही आपकी बिगनिंग थोड़ी स्लो हुई हो बट डोंट वरी, एंड में आप विक्ट्री लाइन ज़रूर पहुंचोगे और जो भी आपको चाहिए वो आप टॉर्टोइज की तरह ज़रूर विन करोगे एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट। कैंसर सन साइन वालों के लिए ये है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए एंड आप अपनी जर्नी पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो यू आर नॉट श्योर कि अभी जो आप कर रहे हो आपको इन्जॉय करना है। आप इतने ज़्यादा फोकस्ड हो कि कहाँ आपको पहुँचना है कि आप अभी के अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर रहे हो। तो कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप ज़रूर डेस्टिनेशन पहुँचेंगे, लेकिन अभी के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फोकस करें, अभी के मोमेंट को आप एक्सपीरियंस करें, आप फुली उस मोमेंट में जिएं, क्योंकि बहुत कुछ अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही है बट आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो फ्यूचर में एंड आप इन्जॉय नहीं कर पा रहे हो। तो ये जो है ये आपके लिए है। आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपके सामने इन द नेक्स्ट मंथ एक चॉइस आ सकती है ऑफ चूजिंग बिटवीन टू थिंग्स, टू पॉसिबिलिटीज़ में आपको चूज़ करना पड़ सकता है। अगर आप जॉब हंटिंग कर रहे हो तो ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि किसी टाइप का ट्रैवल डिनोट करता है ये, या जॉब इन अनदर सिटी, या आप ऐसे भी कोई ट्रैवल कर सकते हो। तो ये कार्ड बस ये कह रहा है कि आप दोनों ऑप्शंस को बहुत अच्छे से जांचे पढ़ते हैं और देन यू टेक दी कॉल, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन है बट आप जो भी डिसीजन लोगे वो आपके लिए सही हो। तो
लियो सन साइन जो है उनके लिए नेक्स्ट वन मंथ बहुत ही इवेंटफुल रहेगा। घर में कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, मे बी किसी की शादी पक्की हो, किसी की एंगेजमेंट हो, कोई बर्थडे हो, काफ़ी सारे लोग मिल सकते हैं आपको, आप अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप जिस सिटी में हो वहाँ लॉकडाउन रिलैक्स हो गया है तो आप शायद अपने फ्रेंड्स के साथ भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट वन मंथ आपके लिए बहुत ही हैप्पी है, आप शायद काफ़ी सेलिब्रेट करोगे एंड काफ़ी इन्जॉय करोगे लाइफ को, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप जो चीज़ कुछ चाह रहे हो वो ज़रूर आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा टाइम और पेशेंस की ज़रूरत है। ये कार्ड की स्टोरी ये है कि जब फ्रूट पकता है और नीचे गिरता है तभी वो मीठा टेस्ट करता है, अगर आप उसको वक्त से पहले तोड़ लेते हैं तो इट डज़ नॉट टेस्ट एज गुड। सो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप जो भी चाह रहे हो वो सही टाइम पे बिल्कुल होगा, और आप अभी इम्पेशेंट ना हो, थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत है। तो आई थिंक आपको नेक्स्ट वन मंथ में काफ़ी पेशेंस रखना है फॉर दिस वन थिंग जो आप चाह रहे हो, स्पेशली अगर ये करियर या फाइनेंस से रिलेटेड है। वर्गो सन साइन के लिए नेक्स्ट वन मंथ थोड़ा सा स्लो है, ज़्यादा प्रोग्रेस मुझे नहीं दिख रहा है, किसी चीज़ में काफ़ी डिले होगा, पोस्टपोनमेंट होगा, कोई चीज़ जो आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो वो शायद आपको ना मिले इस मंथ। कार्ड्स ये कह रहे हैं कि डोंट वरी, वो आपके पास आएगा, लेकिन आप एट अ सबकॉन्शियस लेवल कहीं उसे पुश कर रहे हो, कहीं आप रेडी नहीं हो उस चीज़ को अपनी लाइफ में लाने के लिए। ये जो डिले है, जो पोस्टपोनमेंट है, ये आपका खुद का क्रिएटेड है, तो आप प्लीज़ इस पे वर्क करें। आप रियलाइज़ करें कि मे बी वो आपके थोड़ा कंफर्ट जोन के बाहर हो, इसलिए आप उसे नहीं अपने लाइफ में ला पा रहे हैं। तो आप अपने ध्यान दें कि कहाँ आप खुद इस प्रोसेस को डिले कर रहे हैं और आप खुद क्या कर सकते हैं इसे स्पीड एंड अप करने के लिए। आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप काफ़ी क्रिएटिव हो, तो अगर आप आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग, राइटिंग, एक्टिंग, इस टाइप के कोई हॉबीज़ आपके हैं, पैशंस अगर हैं, तो ये एक्सेलेंट टाइम है आपके लिए इसको टाइम डिवोट करने का। आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो, आप और वीडियोस बना सकते हो, आप लाइव सेशंस कर सकते हो, तो दिस इज़ अ टाइम फॉर यू टू मेक टेक योर हॉबीज़ एंड टर्न देम इंटू समथिंग बिगर। ये बहुत ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑल्सो अगर आपके किड्स हैं तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू टू स्पेंड टाइम विद योर किड्स doing something जिनमें आप उनकी hobbies या passions को cultivate कर रहे हो। अगर आपके बच्चों को art and craft अच्छा लगता है तो भी ये card ये बोलता है कि ये बहुत अच्छा time है जब आप उनके साथ मिल के ये hobbies को pursue कर सकते हैं। लीब्रा जो है, लीब्रा के काफ़ी सारे जो लोग हैं वो मुझे दिख रहे हैं कि काफ़ी सैड हैं अभी, या किसी तरह के हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, या किसी तरह का दुख है उनके मन में जो उन्होंने अभी तक एड्रेस नहीं किया है। ये कार्ड ये कह रहा है कि आपको अपने माइंड से अपने अंदर का दुख निकाल के बाहर करना है। आप या तो किसी से बात करें, या पेपर पे लिखें, या ईमेल में लिखें, किसी भी तरह से। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ये चीज़ अपने माइंड के अंदर से निकालें, क्योंकि ये आपको इम्पैक्ट कर रहा है और आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। अगर आपको रोना आ रहा है तो इट्स कम्प्लीटली ओके, आप बिल्कुल ब्रेक डाउन कर सकते हो। आप हर समय स्ट्रांग होना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, तो जो भी आपके मन में है वो आप ज़रूर निकालें, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लीब्रा के लिए ये भी गाइडेंस है कि आप अगर आपको अच्छा लगता है घर पे लोगों को बुलाना, मेहमानों को खाना खिलाना, ये सब, तो इसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप होम रेनोवेशन या डेकोरेशन का सोच रही हैं तो बहुत अच्छा टाइम है, एंड दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर यू टू रीच आउट टू योर फ्रेंड्स, फैमिली, सिस्टर्स, मदर, ऑल द फीमेल्स इन योर लाइफ। आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू रीच आउट टू देम, स्पेशली क्योंकि आप थोड़ा डिस्टर्ब्ड फील कर रहे हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रीच आउट करें अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली members and family friends से, and you take their help in getting out of this zone that you are in. तो Scorpio sun sign के लिए जो next one month है वो काफ़ी change लेके आ रहा है। तो आप अगर अभी happy नहीं हैं, आपको life काफ़ी slow लग रही है, तो don't worry, life will start moving fast soon। ये card ये denote करता है कि बुरा time हो या अच्छा time हो वो हमेशा last नहीं करता है। तो आप जो हैं बिल्कुल टेंशन ना लें, जो स्लो टाइम आपके लाइफ में है वो बिल्कुल एंड होने वाला है, एंड चेंज इज़ अराउंड द कॉर्नर, दिस इज़ द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। और ये डिनोट करता है कि टाइम हमेशा आगे बढ़ता है, ख़राब या अच्छा टाइम कभी नहीं चलता है। तो अभी जो स्लोनेस आपके लाइफ में है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपके लाइफ में कोई मेल मेम्बर है, आपका हस्बैंड हो सकता है, आपका ब्रदर हो सकता है, आपके पापा हो सकते हैं, कोई फ्रेंड या कॉलीग या कुछ भी हो सकता है,
ये जो बंदा है ये आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प एंड सपोर्ट करेगा, स्पेशली करियर एंड फाइनेंसेस में। तो ऐसा कोई है अगर आपके आसपास जिनकी जिनकी बात आप बहुत ज़्यादा मानते हो या जिनको आप गाइडेंस जिनसे लेना पसंद करते हो, तो इनसे ज़रूर लें, इनसे काफ़ी टच में रहें। ये कोई ऐसे हैं जो आपसे बड़े हैं शायद और बहुत वाइज हैं और बहुत इनको करियर के बारे में एक्सपीरियंस है, तो ये जो है ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। ये कार्ड ये भी बोल सकता है कि आप नेक्स्ट मंथ में शायद काफ़ी अबंडेंस से और आप काफ़ी इंजॉय करेंगे एंड पैसे खर्च करेंगे एंड मे बी आप कुछ बड़ी चीज़ खरीद सकते हैं, कोई बिग टिकट परचेज अगर आपके माइंड में है तो आप वो भी ले सकते हैं। सैजिटेरियंस के लिए जो नेक्स्ट वन मंथ है उसमें उनके लिए कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होगी, कोई ऐसी चीज़ एट वर्क मोस्टली या घर पे ऐसी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होगी जिसके लिए उनका बहुत टाइम लगेगा, उनका बहुत इंटरेस्ट लगेगा एंड वो काफ़ी बिजी हो जाएंगे इस चीज़ में एंड दे विल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू हैपन इन अ सैजिटेरियंस लाइफ। ये कुछ नया है जो स्टार्ट होगा और उनके लिए बहुत ही अच्छा और वो बहुत इंग्रॉस हो जाएंगे और उन्हें बाकी किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं मिलेगा। इनके पास ऑप्शन भी हो सकता है ऑफ चूजिंग बिटवीन टू थिंग्स। इनके लिए एक और चीज़ मुझे दिख रही है कि कोई सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन सैजिटेरियंस के पास आ रहा है फ्रॉम आउटसाइड। तो कोई कम्युनिकेशन अगर आप वेट कर रहे हो, आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया है, इफ़ यू आर वेटिंग टू हियर फ्रॉम देम या कहीं और एनी सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, things will start moving rapidly. For some people this might also denote traveling. So depending आप किस सिटी में हो, मे बी आपके घर कोई और आ रहा है बाहर से अगर लॉकडाउन ईज हो गया है या आप कहीं जाने का सोच रहे हो, तो ये बहुत हाई पॉसिबिलिटी है फॉर सैजिटेरियंस एंड ऑल्सो फास्ट कम्युनिकेशन जो है उनके तरफ आएगा। नेक्स्ट वन मंथ इज इंटरेस्टिंग फॉर देम। तो केप्रिकॉर्न के लिए लवर्स का कार्ड आया है, उनके सामने कोई बहुत बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है और डिफिकल्ट चॉइस है एंड दिस कुड बी रिलेटेड टू अ रिलेशनशिप। दे कुड डिसाइड शुड आई गो ऑन विद दिस या शुड आई एंड दिस या फिर मैं इस बंदे को चूज करूँ या उसको चूज करूँ, ऐसा कोई डिसीजन हो सकता है या लव लाइफ से नहीं कुछ और भी डिसीजन हो सकता है जो काफ़ी मेजर है। ये डिसीजन जो है आप बहुत सोच समझ के लें, क्योंकि आप ये डिसीजन जब ले लेंगे तो आपके लाइफ का एक फेज जो है वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू अनदर फेज। आपकी लाइफ बिल्कुल नेक्स्ट वन मंथ में चेंज हो जाएगी, पूरी चेंज होने का पॉसिबिलिटी है आपकी लाइफ में, बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क आ सकता है। कोई चीज़ जो है जो आप अगर वंस यू टेक दिस डिसीजन देन थिंग्स कैन कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म इन योर लाइफ एंड यू कैन जस्ट टर्न अराउंड दिस एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। तो ये करियर है आपका या लव लाइफ है ये आप बेस्ट जानते हैं, बट काफ़ी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आने वाला है। ये जो एंडिंग आएगी ये मे बी आपके लिए थोड़ी ग्रेजुअल आ रही हो काफ़ी टाइम से या ये काफ़ी सडन हो सकता है, बट वॉट एवर दिस इज़ ये बिल्कुल आपकी लाइफ को चेंज कर देगा एंड आपकी लाइफ आफ्टर दिस इंसिडेंट एंड बिफोर विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट। उनके लिए नेक्स्ट वन मंथ में थोड़ा सा स्ट्रेस दिख रहा है मुझे आपके ऊपर, शायद काफ़ी प्रेशर है वर्क का और काफ़ी चीज़ें आप हैंडल करोगे और टाइम का प्रेशर है, बट ये जो प्रेशर है ये आपने सेल्फ क्रिएट किया है। तो यू नीड टू स्टॉप फीलिंग सो स्ट्रेस्ड अबाउट इट। आप कुछ काम किसी और को भी दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ खुद हैंडल करें। तो ये अगर आप करोगे तो आपका ये स्ट्रेस कम हो सकता है एंड आपके लिए गाइडेंस है कि आपको लाइफ में किसी तरह का सेकंड चांस मिलेगा। तो कोई जॉब जो आपने मे बी पहले की हो अप्लाई वो वापस आ सकती है घूम के, या कोई रिलेशनशिप जो पहले ब्रेक हो गया हो किसी बंदे से जिससे किसी पर्सन से आपकी बहुत टाइम से सालों से बात नहीं हुई है, मे बी आप उनसे मुलाकात कर लेते हो या ऑनलाइन उनसे बात कर लेते हो, तो इस बार जो है आप सुलह करें और पिछले बार की तरह जो जैसे एंडिंग हुई थी वैसे ना करें एंड लाइफ आपको सेकंड चांस दे रहा है कि इस बार आप दूसरी तरह से रिएक्ट करके अच्छे से ये रिश्ते को आगे लेके जाएं या एंड करें, या आपकी मर्जी है, बट आप जो भी करें अच्छे से करें एंड इनसे सुलह कर लें। आपके लाइफ में कोई ऐसा एल्डरली पर्सन है जो शायद एरीज लियो या सैजिटेरियस हो सकता है, या आपके पापा हो सकते हैं, आपके ब्रदर, आपका बॉस, बट ये कोई बड़ा है आपकी लाइफ में और ये आपको बहुत अच्छा गाइडेंस देंगे। ऑल्सो ये कार्ड मुझे ये बताता है कि नेक्स्ट वन मंथ में आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हो। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है। अगर आप किसी और तरह कुछ और इनिशिएटिव सोच रहे हो तो ऐसे कोई एल्डरली पर्सन जिनको आप रिस्पेक्ट करते हो उनसे ज़रूर गाइडेंस लें, ये आपको बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं करियर में एंड आपकी लाइफ में इन जनरल। आपके लिए ये भी है कि कुछ नया एडवेंचर स्टार्ट हो सकता है जो आपके लिए अभी तक आप जो कर रहे हो उससे काफ़ी अलग हो, आपको थोड़ा डर लग सकता है, बट टेक इट एज एन एडवेंचर।
ये जो भी हैं मेंटोर हैं आपके लाइफ में, इनसे ज़रूर गाइडेंस लें एंड देन इस चीज़ पे, इस पाथ पे आप आगे बढ़ें. टेक इट एज एन एडवेंचर एंड डोंट वरी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा. ये करियर या फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई कोई एडवेंचर हो सकता है, तो बिल्कुल इसको ओपन आर्म से आप एक्सेप्ट करें, थोड़ा रिस्क लें लाइफ में, सब कुछ ठीक होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई होप आपको अच्छा लगा. प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा. एंड अगर आपको प्राइवेट सेशन कराना है तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट. थैंक यू. नमस्ते. बाय बाय.